हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे गेहूं की कुरदई। इसके लिए हमने ये बाउल भर के गेहूं लिए थे। इसे हमने 3 दिन से भिगो के रखा है। ये देखिए पिक गए हैं। हमने रोज पानी इसमें बदल दिया है। अब हम इसे क्रश करेंगे। ये हमने क्रश कर लिया है। ये देखिए अब हम छन्नी से इसे छान लेंगे। इस तरह से सारे छान लेंगे। इसे हम पानी डाल के इसे ऐसे धो लेंगे और इसका ऐसा वाइट वाइट चिकना निकलेगा वो निकाल लेंगे। ये देखिए हमने पूरा इसमें से वाइट वाला पानी जो निकलता है वो निकाल लिया है। ये हमने एक बर्तन, इसमें हमने 8 जो बाउल हमने गेहूं से भरे थे वही बाउल से मैंने 8 बाउल पानी डाला है। अब हम इसे पतली छन्नी से छान लेंगे। हमने इसे 2 बार छन्नी से छान लिया है। अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे और सुबह इसकी कुरदई बनाएंगे। अब हम इसमें से ऊपर ऊपर से पानी निकाल लेंगे। ये हमें जब तक वाइट नज़र नहीं आता तब तक हमें ये पानी निकाल देना है। ये देखिए ऐसा ठीक भी नीचे बैठ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने ये वाइट पानी निकला है। ये एक बाउल, इसे हम नाप लेंगे, 1 बाउल निकला है। अब हम एक पैन में जो हमने नापा था इसी बाउल से हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसे उबलने देंगे। अब हम पानी में नमक और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हमारा पानी उबल गया है। अब हम इसमें ये ऐसे हिलाते हिलाते डाल देंगे पूरा। और हमें इसे 10 से 15 मिनट पकाना है। हमें 5 मिनट हुई है। ये देखिए पूरा ठीक हो गया है। अभी हम इसे 10 मिनट ऐसे ही हिलाते हिलाते पकाएंगे। ये देखिए ट्रांसपेरेंट भी हो गया है और ये देखिए ऐसे गिरता भी नहीं है। अभी हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हमने जाली डाली है और अब हम काठिया मेकर में ऑयल लगाएंगे। अब हम ये बैटर इसमें भरेंगे। हम इसे ऐसे घुमा के ये देखिए
और इसे ऐसे ही सारे बना के धूप में इसे 2 से 3 दिन सुखाएंगे, जब तक ये सूख न जाए तब तक। ये देखिए हमने 3 दिन से सुखाया है, ये सूख गए हैं पूरे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम तलेंगे। ये देखिए रेडी है। देखिए हमारी गेहूं की कुल दही, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मुलायम हुई है, मुंह में घुल जाने वाली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।